हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड हैप्पी जुलाई. जुलाई स्टार्ट हो चुका है. हमारे सीएचएसएल वाले बच्चे मैदान में उतर चुके हैं. एग्जामिनेशन टाइम इज देयर नाउ. सो विशिंग यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ योर अटेम्प्ट्स. अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और जो भी आपका फीडबैक हो, आपको किस तरह से हेल्प मिली है, नहीं मिली है, वो हाउ वर यू एबल टू परफॉर्म, वो जरूर से हमें बताइएगा. ठीक है, इससे होगा कि हम आगे आने वाले सेशंस जो होंगे उनको और इम्प्रूव कर सकेंगे. सो विशिंग यू ऑल अ वेरी बेस्ट फ्रॉम दी एंटायर टीम ऑफ परचम. चलिए, आज का जो सेशन है 2 दिनों का होने वाला है, क्योंकि हम 30 जून और 1 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे. रीजन बीइंग, यस्टरडे वाज संडे और कल आपका वीकली सेशन आया था, पायल मैम ने लिया था. कल बैंकिंग सेशन नहीं हो पाया बिकॉज प्रवीण सर वॉज नॉट कीपिंग वेल, ही वॉज हॉस्पिटलाइज. तो वो सेशन आपका मोस्ट प्रोबेबली कल होगा. वी विल बी फ्लोटिंग दी अपडेट्स विद यू. ठीक है, चलिए. सो आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी यानी 1 जुलाई को हम कवर कर लेते हैं दोनों दिनों के करंट अफेयर्स को. और जो भी आज हम पढ़ेंगे नए बच्चे, पर्टिकुलरली आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी आप पढ़ोगे उसका पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम चैनल में और परचम ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा. डेली सीए के अलावा अगर आपको कोई और पीडीएफ चाहिए यूट्यूब पे, जो भी आप पढ़ते हो, तो आपको parchamclasses.in पे जाना है. .in याद रखेंगे. ओके, चलिए. सो लाइक वी ऑलवेज डू, हम शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट डेज के साथ में. सो पहले 30 जून के इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे. ठीक है, सो 30 जून को हुल दिवस ऑब्जर्व किया गया. इसको HUL दिवस, हुल दिवस ऐसे भी आप देखोगे लिखा हुआ, कई जगह पे हुल दिवस भी देखोगे. सो क्या थी ये हुल क्रांति, क्यों लाई गई थी, किसके द्वारा लाई गई थी, थोड़ी इसकी ब्रीफिंग लेके. देखिए, हम बोलते हैं सबसे पहला रिबेलियन जो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया था, यानी पहली जो मुख्य क्रांति हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ की थी, वो 1857 की क्रांति यानी 1857 का रिबेलियन था. लेकिन इससे भी 2 साल पहले 1855 के अंदर दो भाई थे जिन्होंने मुख्य रूप से लीड की एक क्रांति. उनका नाम था सिद्धू एंड कान्हू, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ संथाल कम्युनिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उसको अपने हक दिलाने के लिए ये क्रांति छेड़ी थी. और इसमें करीब 50 से 60 हजार संथाल कम्युनिटी के लोगों ने हिस्सा लिया. अंतपन तो वही होता है बिकॉज आप इतनी बड़ी ब्रिटिश सेना से नहीं जीत सकते, लेकिन करीब 6 महीनों तक इन्होंने रिबेलियन किया और आखिर में इन दोनों को हैंग कर दिया गया. करीब 15 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत सारे गांव डिस्ट्रॉय हुए. लेकिन इसका नतीजा एक पॉजिटिव नोट पे खत्म हुआ बिकॉज कुछ एक्ट लाए गए जिससे जो ट्राइबल कम्युनिटी का लैंड था वो ट्राइबल कम्युनिटीज में ही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, आप उसे दूसरी कम्युनिटीज को बेच नहीं सकते हो. सो चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस थिंग वाज ऑल अबाउट. मैंने आपको क्रक्स दे दिया है. ओके, चलिए. सो कब मनाया जाता है हुल दिवस? मनाया जाता है 30 जून को, 30th of June को, जून के बिल्कुल लास्ट डे पे. संथाल हुल 1855 की क्रांति थी, संथाल कम्युनिटी के लोगों ने किया था, इसलिए इसको संथाल हुल भी कहते हैं. वैसे 4 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स इसको लीड कर रहे थे, लेकिन उनमें भी जो प्रमुख लोग थे वो 2 थे. तो 4 ब्रदर्स कौन से थे? सो सीधो कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू, ये 4 भाई थे, और बहन थी फूलो और जानू. इन 6 लोगों को बहुत प्रमुख रूप से याद किया जाता है हुल दिवस के लिए. वन ऑफ द फर्स्ट पेजेंट अपराइजिंग जो ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल के खिलाफ की गई थी, उसको देखा जाता है हुल दिवस के तौर पे. और इन्होंने न सिर्फ ब्रिटिशर्स, लेकिन जो अपर कास्ट थे, जमींदार थे, जो दरोगास थे, मनी लेंडर्स थे, उनके खिलाफ भी ये क्रांति छेड़ी थी, और ताकि अपने इकोनॉमिक, कल्चरल और रिलीजियस राइट को सेफ गार्ड कर सके. अब बात क्या थी, ऐसा क्या हुआ कि क्रांति छेड़नी पड़ी? तो देखिए, 1832 की बात है. 1832 के अंदर एक संथाल परगना डिलिमिट कर दिया गया था कि संथाल परगना है. ओके, और उसको दमीन ई कोप, उस समय दमीनी को भी कहते थे. अब इनको कहा गया था कि ये जो संथाल परगना में जितने भी संथाल रहेंगे, जो कि आज के हिसाब से आप देखो तो झारखंड का साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवगढ़, पाकुड़, ये वाला रीजन आता है. तो बेसिकली झारखंड के काफी हिस्से इसमें आते हैं. तो यहाँ इनको डिलिमिट किया गया था कि आप इस जगह पे रहिए, आपको एग्रीकल्चर के लिए लैंड दिया जाएगा, आपको लैंड राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन जो भी प्रॉमिस किया गया था, आपको प्रॉपर सेटलमेंट करवाया जाएगा, आपको एग्रीकल्चरल लैंड दिया जाएगा, ये सब कुछ दमीन इको में नहीं दिया गया. उल्टा इनके जो लैंड थे वो लिए जाते रहे, दूसरों को दिए जाते रहे. तो इसके खिलाफ फाइनली इन्होंने रिप्रेसिव प्रैक्टिसेस जो है कि इनका जो लैंड था वो तो हथियाते गए सरकार, और इनको बेगारी के अंदर लगा दिया गया, यानी कि बॉन्डेड लेबर का हिस्सा बनाते गए. तो इनके पास ऑलरेडी अपने लैंड थे, लेकिन उन लैंड्स पे अपनी अपनी अधिकार जमाते गए और इनको बॉन्डेड लेबर के तौर पर ट्रांसफर करते गए. सो ये जो प्रैक्टिस था लैंड ग्रैबिंग का, कम्युनिटी और बेगारी यानी बॉन्डेड लेबर का, दैट इज हर वही, इसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए फिर इस विद्रोह का की शुरुआत होती है. मुर्मू ब्रदर्स ने करीब 60,000 संथालीस को ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट इकट्ठा किया,
और गोरेला वॉरफेयर यानी छुप करके और जो अटैक्स करे जाते हैं, इनके पास लिमिटेड जो भी वेपन्स रहे होंगे इनसे इन्होंने अटैक किया। करीब 6 महीने तक इन्होंने मुठभेड़ की है ब्रिटिश के साथ में, लेकिन इनका जो रेबेलियन था वो January 1856 में क्रश कर दिया जाता है। ओके, सो जून से जनवरी तक करीब 6 महीने इन्होंने रेबेलियन मेंटेन किया। ब्रिटिशर्स ने फाइनली दोनों भाइयों को सिद्धू और कानू को हैंग कर दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कुछ सालों बाद SPT। नाउ व्हाट इज दिस SPT? सो संथाल परगना टेनेसी एक्ट ऑफ 1876। ये जो कुर्बानी गई ये वेस्ट नहीं गई, इसका नतीजा निकला है संथाल परगना टेनेसी एक्ट ऑफ 1876, जिसे हम SPT एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट के तहत क्या होता है कि ये एक्ट ब्रिटिशर्स ने ही इनैक्ट की थी, जिसके तहत प्रोहिबिट कर दिया गया कि अगर आदिवासी लैंड है, वो रूरल इलाकों में हो चाहे अर्बन इलाकों में हो, अगर आदिवासी लैंड है तो आप उसको नॉन आदिवासी इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और ये रिजल्ट निकला हुल का, राइट? तो खुद तो अपने जान न्यौछावर कर दी, लेकिन आगे आने वाली आदिवासियों के लिए चीजें थोड़ी सुधार दी। लैंड कैन ओनली बी इनहेरिटेड एज पर दी एक्ट, और इसलिए जो राइट्स हैं संथाल के सेल्फ गवर्निंग लैंड के वो एस्टैब्लिश हुए। इसी के साथ साथ हम एक और एक्ट का मेंशन करेंगे, CNT एक्ट। CNT एक्ट हालांकि हुल का नतीजा नहीं था, वो नतीजा था जो बिरसा मूवमेंट हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा जो हम कहते हैं ना, तो बिरसा मूवमेंट जो हुआ था उसका भी एक नतीजा निकला था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। सिमिलर सा मूवमेंट था, अपने हक के लिए लड़ाई बिरसा जनजाति ने भी की थी। सो इससे क्या हुआ, इसमें भी जो लैंड ट्रांसफर है वो सेम कास्ट के अंदर होगा, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत सेम कास्ट एंड सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अप्रूव करेंगे, यानी कि आप अपनी सेम कास्ट में ही लैंड बेच सकते हो, कुछ एरियाज में ही बेच सकते हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अप्रूवल के साथ। और A22 नहीं आएगा, रिस्ट्रिक्टिंग द सेल ऑफ आदिवासी एंड दलित लैंड, और बाकी जो आदिवासी और दलित लैंड है आप किसी नॉन आदिवासी नॉन दलित को नहीं बेच सकते, राइट? सो ये दो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो कि ऐसे ट्राइबल रिबेलियंस का नतीजा बन के हमारे सामने आएंगे, ठीक है जी? तो संथाल एंड बिरसा मूवमेंट, यानी कि संथाल्स का हुल मूवमेंट और बिरसा मूवमेंट, इन दोनों का नतीजा रहा SPT एंड CNT एक्ट। चल फिर हम आते हैं 30 जून को, एक इंपॉर्टेंट डे है जनरल सा, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं इसको नहीं डालूंगी, एक बार देखने जैसा है। 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे आता है, यानी जो शुद्र ग्रह होते हैं उनसे रिलेटेड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, बस इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कमिंग ओवर टू 1 जुलाई, 1 जुलाई को तीन नहीं चार बहुत इंपॉर्टेंट डे आते हैं, और चारों अच्छे से पकड़ करने। 1 जुलाई स्कूल चालू हो चुके हैं आज से बच्चों के, सो 1 जुलाई एवरीबडी गॉट एक्टिव, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, GST और हमारे जो पोस्टल वर्कर्स हैं, ये चारों बहुत एक्टिव हो गए थे। चारों का दिन 1 जुलाई को आता है, ठीक है? तो आपके डॉक्टर को GST फाइल करना है और CA की मदद ले रहे हैं, और उन्होंने फाइल वाइल करके जब भेजे है ये डाक तो किसने पहुंचाई है, पोस्टल वर्कर ने पहुंचाई। इन चारों का दिन 1 जुलाई को आएगा। चलो एक एक करके देखते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे से शुरुआत करेंगे। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को आता है, किन को ऑनर करने के लिए डे मनाया जाता है? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जो कि भारत रत्न से सम्मानित एक फिजिसिस्ट रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, राइट? भारत रत्न से सम्मानित किया गया बिकॉज जो पूरा मेडिकल का क्षेत्र है उसमें इन्होंने बहुत उत्कृष्ट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। सो 1961 में मेडिकल फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन के चलते ही गॉट भारत रत्न। अब इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूशन की नींव रखी, जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, देन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों किसकी देन है? डॉक्टर रॉय की देन है। ओके, थीम क्या है नेशनल डॉक्टर्स डे की? हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। तो विशिंग ऑल द डॉक्टर्स आउट देयर अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। देन हम आते हैं नेशनल पोस्टल वर्कर डे। यहाँ पे जो नेशनल वर्ड है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंडिया से लिमिटेड नहीं है कि इंडिया में ही मनाया जाता है, नो, इसकी शुरुआत की गई थी सियाटल के अंदर, यानी कि US में शुरू हुआ था, लेकिन अब ग्लोबली मनाया जाता है, तो ये नेशनल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, राइट? एनीवेज आप तो ये ध्यान रखिए पोस्टल वर्कर डे का बात है, सो पोस्टल वर्कर डे भी 1 जुलाई को आता है, राइट? चलिए आगे, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है बिकॉज ICAI का फाउंडेशन रखा गया था इस दिन। व्हाट इज ICAI? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो ICAI जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और उनसे जुड़े हुए जो काम है, जो प्रोफेशन है, इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी है, और ये एग्जिस्टेंस में आई थी 1 जुलाई 1905
1849 को, राइट। और इसीलिए इसकी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट हम करते हैं 1 जुलाई को। ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई। ओके, और ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, शायद मैंने लास्ट क्लास में गलती से स्टेट्यूटरी बोल दिया था, ये स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। क्या फर्क होता है दोनों में? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड होता है कि इस तरह की बॉडी बनाई जानी है, और जो स्टेट्यूटरी बॉडी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से उसकी बैकिंग नहीं होती है, बाय पासिंग अ लॉ इन द पार्लियामेंट आप उस बॉडी को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, उसको हम स्टेट्यूटरी बॉडी कहते हैं। किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आती है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडीज है सीएस की दुनिया भर में। तो सबसे बड़ी बॉडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी दुनिया भर में कहाँ है? यूके लंदन के अंदर, CIMA। देन 1 जुलाई को ही आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी, सो सीए डे भी आता है 1 जुलाई को, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला जो डे है यानी जीएसटी डे, वो भी 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 2017 में भारत में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था। ओके, तो जीएसटी कब इंप्लीमेंटेशन में आया? 2017 के अंदर इंप्लीमेंटेशन में आया। ये एक इनडायरेक्ट तरह का टैक्स है। ये फिर कुछ इमेजेस मिसिंग हो गई, मैं कुछ इमेज लगाती हूँ हर बार पीपीटी से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। एनी विच वेज, आपके पीडीएफ में मैं इनकॉर्पोरेट करवा दूंगी। यहाँ मैंने डाला था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर डिफरेंस, नो प्रॉब्लम, ऐसे समझा देते हैं। देखो, डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, जो सीधे हम अपनी तनख्वाह से कटवाएंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे जीएसटी टैक्स, आपने कुछ गुड्स या सर्विस परचेज किए, उसका एक कॉम्पोनेंट टैक्स के फॉर्म में सरकार के पास चला जाता है। ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे भारत में लगाया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि पेट्रोलियम पे, अल्कोहलिक बेवरेजेस और स्टैम्प ड्यूटी पे जीएसटी नहीं अप्लाई। नाउ देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट जीएसटी जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, इनको हम ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया था, सो दैट वॉज फ्रांस। फ्रांस पहला देश था जीएसटी सिस्टम लाने वाला। भारत का जो जीएसटी सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? कैनेडा के जीएसटी सिस्टम के ऊपर है। और कौन जीएसटी मैन ऑफ इंडिया कहलाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। अब आप बोलोगे मैम 2017 में लागू किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी कैसे आ गए? वो इसलिए आ गए बिकॉज ये जो एक प्लानिंग थी कि हमें इस तरह का एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम लाना है भारत में, उसकी नींव वाजपेयी जी के टाइम पे रखी गई थी, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को फादर ऑफ जीएसटी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। पहला स्टेट जिसने रेटिफाई किया था जीएसटी को, या फिर हम कहें कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द जीएसटी बिल, सेंटर का जो जीएसटी बिल था सबसे पहले स्टेट लेवल पे पास करने वाला कौन सा था? असम था। देन अरुण जेटली जी फर्स्ट जीएसटी चेयरमैन रहे। ठीक है, चलिए आप मुझे जल्दी से बता दीजिए जो जीएसटी है वो किसके अंडर में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सेंटर के गवर्नमेंट में अंडर में आता है, दोनों के अंडर में आता है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। सो ये हो गई कहानी सारे इंपॉर्टेंट डेज की। अब हम चलते हैं द मोस्ट अचीविंग टॉपिक जो आज हमको देखना है, दैट इज T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, जो भारत अपने पास लेकर के आया है। अभी तक की हिस्ट्री में दूसरी बार इंडिया ने T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, तो चलिए हैप्पी नोट पे इसको पढ़ लेते हैं। सो इंडिया ने जीता है T20 वर्ल्ड कप फॉर द सेकेंड टाइम। अब दूसरी बार हम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत में लेकर के आए। इस स्लाइड पे शायद मैंने ईयर नहीं लिखा है, तो बताइए फर्स्ट टाइम हमने कौन से साल में T20 वर्ल्ड कप जीता था? अगर आप लाइव चैट में हो तो जल्दी से लिखो। और कैप्टन उस समय इंडियन क्रिकेट टीम के कौन थे इस टूर्नामेंट के अंदर? ठीक है, T20 वर्ल्ड कप पहली बार जब हमने जीता था कब जीता, कौन से साल में, और कैप्टन कौन थे, दोनों आप मुझे लिख के बताएंगे। इस बार जो हमने जीत हासिल की है वो साउथ अफ्रीका पे की है, 7 रन से वी हैव वन द फाइनल्स, और बारबाडोस केंस्टिंगटन ओवल के अंदर ये मैच खेला जा रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल मैच के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला है। प्लेयर ऑफ द एंटायर टूर्नामेंट पूरे T20 वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा प्लेयर किसको घोषित किया गया? जसप्रीत बुमराह को किया गया। देन मोस्ट रन किसने बनाए हैं? 281 के साथ मोस्ट रन अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए हैं। हाइएस्ट विकेट टेकर में टाई है, 17 विकेट ईच अफगानिस्तान के फजाल हक फरूकी और इंडिया के अर्शदीप सिंह ने लिए हैं 17 ईच। ट्रॉफी जो थी ना T20 वर्ल्ड कप की वो कौन से मेटल से बनी हुई थी? जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा बता देते हैं, कई बार एग्जामिनर बड़ा अथरंगा सा सवाल पूछ लेता है। सो सिल्वर एंड रोडियम मेटल से बनी हुई वो T20 वर्ल्ड कप की फाइनल की ट्रॉफी थी। ठीक है, चलो जी, अब जो मैंने अभी क्वेश्चन किया उसका आंसर देख लो। इससे पहले जो हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था वो 2000
2007 के अंदर जीता था, 2007 T20 वर्ल्ड कप विनर लिस्ट है 2007 से 2024 की, जो आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था, 2007 में हुआ था, इंडिया जीती थी, पाकिस्तान को हराया था, साउथ अफ्रीका में हम ये खेल रहे थे। ओके और अब हमने 2024 में जीता है, साउथ अफ्रीका को हराया है, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज मेजबान यानी होस्ट कंट्रीज थे। सो अभी तक मैक्सिमम दो दो बार कोई कंट्री T20 वर्ल्ड कप जीती है, जैसे कि आप देखोगे वेस्ट इंडीज दो बार जीत चुकी है, इंग्लैंड दो बार जीत चुकी है और अब इंडिया दो बार जीत चुकी है। ठीक है, देन सूर्य कुमार यादव टेक्स द बेस्ट फील्डर अवार्ड फ्रॉम जय शाह। देखो सबसे ज्यादा रन्स के लिए, विकेट्स के लिए सब अवार्ड मिल जाते हैं, लेकिन बेस्ट फील्डर का अवार्ड अलग से जय शाह ने यानी कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने दिया है। और किसको दिया है, सूर्य कुमार यादव को दिया। क्यों दिया है, बिकॉज वो जो एक कैच था ना जिसकी वजह से पूरे मैच की दिशा चेंज हो गई। सो फॉर द मैग्निफिसेंट कैच टू डिसमिस डेविस मिलर, इसकी वजह से सूर्य कुमार यादव को बेस्ट फील्डर अवार्ड जय शाह से मिला है। और फील्डिंग कोच कौन है इंडिया के, इतनी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी तो कोई सिखा रहा होगा, सो इंडिया के फील्डिंग कोच टी दिलीप है, राइट। और द्रविड़ जो कि हमारे टीम के कोच थे, हेड कोच, वो अब इस पूरे टूर्नामेंट के बाद ही हैज गिवन अप ऑन द पोजीशन, बिकॉज उनका जो टेन्योर था लीड करने का एज द कोच वो इतना ही था। ठीक है, सो राहुल द्रविड़ अब कोच की पोजीशन से हट गए हैं। आप देखेंगे आगे कहां कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा भाई, जीवन में जैसे होता है ना, खुशी के साथ गम आते हैं, कभी खुशी कभी गम, तो एक गम की इन्फॉर्मेशन या न्यूज हमारे साथ आ गई। जैसे जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप की जीत सेलिब्रेट की, उसी के बाद जस्ट रोहित शर्मा, विराट कोहली ने पहले अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, फिर रोहित शर्मा ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, फिर एक और खिलाड़ी ने भी किया, पर इन दो दिग्गजों का रिटायरमेंट हमारे लिए मिक्सड इमोशंस लेकर के आया। सो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली अनाउंस रिटायरमेंट किससे, T20 इंटरनेशनल से, T20 इंटरनेशनल से दोनों ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है आफ्टर दिस विक्ट्री। अब देखो यहाँ पे ना, ये आपको एक पोस्टर दिख रहा है जिसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स हैं। इस तरफ आपको रोहित शर्मा के स्टैट्स दिखेंगे और इस तरफ आपको विराट कोहली के स्टैट्स दिखेंगे, और ये T20 इंटरनेशनल से रिलेटेड है। तो इनका करियर कब से कब तक रहा T20 में, ही स्टार्टेड 2010, ही स्टार्टेड 2007। अब अगर हम बात करें जो मेन पॉइंट्स हैं, तो मैक्सिमम रन T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा ने बनाए हैं 4231, ये इनका रिकॉर्ड भी है। मैक्सिमम सिक्सेस जो हैं वो भी इन्होंने मारे हैं T20 इंटरनेशनल में 205, ये भी इनका रिकॉर्ड है। ठीक है, बाकी सारे स्टेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा मेजर ट्रॉफीज जिनके अंदर ये एक टीम प्लेयर की तरह या मेंबर की तरह रहे हैं, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 एंड 2024 दोनों के अंदर रोहित शर्मा ने खेला है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013, देन आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2011 के अंदर हम लेकर के आए थे उसमें विराट कोहली ने खेला है। सो इस तरह से कुछ डिटेल्स यहाँ पे आप पोस्टर पढ़िएगा, और इस बार आई हैव टोल्ड द टीम कि जो पोस्टर्स है उनका साइज ज्यादा छोटा ना किया जाए, क्योंकि जिन पे भी इंफॉर्मेशन होती है पीडीएफ में आपको वो पढ़ने जितने होने चाहिए, लेजिबल होने चाहिए, दे शुड नॉट बी रिड्यूस टू सच अ स्मॉल साइज, ताकि आप उनकी डिटेल नहीं पढ़ो। आई हैव प्रिसाइसली गिवन दिस इंस्ट्रक्शन टू द टीम, सो आपको मंथली मैगजीन में ये प्रॉब्लम फेस इस बार नहीं होगी। चलिए, सो अभी जो आपने पोस्टर पे देखा उसी को एलैबोरेट कर देते हैं। रोहित शर्मा जो कि 37 ईयर ओल्ड है, थर्ड इंडियन कप्तान बन गए जिन्होंने कोई वर्ल्ड कप कैप्टन के तौर पे इंडिया को जिताया। देखो सबसे पहले कपिल देव थे, 1983 ओडीआई वर्ल्ड कप हम लेकर के आए थे, फिर एमएस धोनी 2007 में जब T20 इंटरनेशनल हम जीते थे वर्ल्ड कप तब भी एमएस धोनी कप्तान थे, 2011 में जब हमने वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता था तो भी एमएस धोनी कप्तान थे। ओके, और अब रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जिताया है। 2007 से इनका करियर शुरू होता है, और पहले फर्स्ट एवर कैप्टन जिन्होंने एक टीम को लीड किया है 50 T20 इंटरनेशनल गेम्स के अंदर, वो अकेले कौन बन जाते हैं, रोहित शर्मा। देन फर्स्ट टीम जिसने T20 वर्ल्ड कप विदाउट लूजिंग अ सिंगल गेम, यानी पूरे टूर्नामेंट में एक भी गेम हमने नहीं हारा, वो भी इन्हीं की कप्तानी के अंडर में हुआ। हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, मोस्ट सिक्सेस इनके रहे। विराट कोहली की बात करेंगे, सो इनका T20 इंटरनेशनल करियर 2010 में शुरू होता है, 120 मैचेस इन्होंने खेले हैं, सेकंड हाईएस्ट रन इन्होंने T20 इंटरनेशनल में बनाए हैं रोहित शर्मा के बाद। ओके, और मैन ऑफ द मैच अवार्ड T20 वर्ल्ड कप का भी इनको गया है। अब आई वाज टेलिंग यू द थर्ड पर्सन जिन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, एंड दैट इज रविंद्र जडेजा। सो ही इज आल्सो अनाउंसर रिटायरमेंट, ही इज एन ऑलराउंडर फ्रॉम इंडिया, और इन्होंने भी T20 इंटरनेशनल से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है।
नए लोग आए, फ्रेश ब्लड आए और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करें, दिस इज व्हाई पीपल आर रिटायरिंग। चलिए, सो अब क्योंकि हम मेल क्रिकेट जगत की बात करें, एक न्यूज फीमेल क्रिकेट जगत से भी आ ही गई है, शेफाली वर्मा। शी हैज बिकम द फास्टेस्ट वुमन डबल सेंचुरियन इन टेस्ट क्रिकेट। सो विमेन टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे तेज डबल सेंचुरी यानी 200 रन पूरे करने वाली कौन सी महिला खिलाड़ी हमारी क्रिकेट की बनी है? शेफाली वर्मा, बेली 20 ईयर्स ओल्ड आई गेस, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाई है और सेकेंड इंडियन वुमन क्रिकेट प्लेयर बन जाती है जिन्होंने डबल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट के अंदर बनाई है। इनसे पहले मिताली राज ने ये फीट अचीव की थी। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक इन्फो मुझे आपसे चाहिए, मैंने इसको छोड़ा है कि इन्होंने जो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाई है कितनी बॉल्स के अंदर बनाई है? ओके, हाउ मेनी डिलीवरीज डिड शी फेस टू कंप्लीट द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन टेस्ट? ये कहाँ आ गए हम? अच्छा, ये इन्फो मैंने यहाँ डाली थी, मिसिंग नहीं है पीडीएफ से, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की इन्फो मैंने यहाँ डाली थी। एनी विच वेज, चलिए। सो अब हम खेल जगत से आ जाते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स की तरफ और एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है रवि अग्रवाल जी का, जिनको अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। व्हाट इज सीबीडीटी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सीबीडीटी के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? रवि अग्रवाल। डायरेक्ट टैक्स यानी कितनी कितनी इनकम हुई, इतनी हुई लाइए जी, इतना परसेंट आप टैक्स में दीजिए। सो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जिसे आपने भरा। तो अब से ना रवि पे यानी सन पे भी टैक्स लगेगा। बड़ी गर्मी मचा रखी है आपने, सूरज भगवान, रवि, सन को रवि भी कहा जाता है, पता है आपको? हाँ, कहा जाता है। सो रवि पे भी अब से डायरेक्ट टैक्स लगने वाला है, इससे आप सीबीडीटी के नए चेयरमैन रवि अग्रवाल याद रख सकते हो। अगर आप चाहो तो हिंट ले लीजिएगा, वैसे आप भूलोगे नहीं अगर एग्जाम में आएगा तो, इतनी वियर्ड सी ट्रिक है ना कि रवि आ रहे हैं, बोलो ओ हो रवि, हाँ बरसाओ, जितनी गर्मी बरसानी है उतना ही टैक्स लगेगा तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट टैक्स। और सीबीडीटी, इन्होंने सक्सीड किया है नितिन गुप्ता जी को, और सीबीडीटी एक स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है जो की 1963 में एग्जिस्टेंस में आती है अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, और डायरेक्ट टैक्स लॉज जो है भारत में उनको गवर्न करती है। डायरेक्ट टैक्स जो की पर्सन टैक्स अपनी खुद की पॉकेट से देगा डायरेक्टली, मेरे पास 100 रुपए आए लो भैया इसमें से टैक्स ले लो, और इनडायरेक्ट होता है जो पर्सन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर जो कि गवर्नमेंट को दे रहा है। इनकम टैक्स इसका एग्जांपल है जीएसटी, अब देखो वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा को हटा करके जीएसटी ले आया गया था भारत में 2017 में। अगला अपॉइंटमेंट हम देख रहे हैं कि इंडिया के अगले फॉरेन सेक्रेटरी, ओके, फॉरेन सेक्रेटरी कौन बनेंगे? विक्रम मिश्री, विक्रम मिश्री। सो IFS ऑफिसर विक्रम मिश्री नेम्ड नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी, और ये 15 जुलाई से इस पोजीशन पे अपॉइंटमेंट ले लेंगे। किसको सक्सीड करेंगे? विनय क्वात्रा जी इनकम्बेंट के तौर पे अभी इस पोजीशन को संभाल रहे थे। फॉरेन सेक्रेटरी भैया, बाहर के लोगों से बात करनी है तो आवाज में मिश्री घोलनी पड़ेगी, हमारे जो एस जयशंकर जी हैं उनकी आवाज भी आप देख लीजिए बड़ी मधुर है, और ये भी मिश्री जी उनको असिस्ट करने के लिए आ गए हैं। तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन बनेंगे मिश्री से? विक्रम मिश्री जी, याद रखिएगा। इन्होंने काफी एमिनेंट पोजीशंस पहले भी होल्ड कर रखी हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने इंडिया एम्बेसडर टू चाइना की पोजीशन होल्ड कर रखी है जब गलवान वैली वाला पूरा क्लैश चल रहा था 2019 से 21 तक। इंडिया एम्बेसडर टू स्पेन एंड म्यांमार रह चुके हैं, और प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं 3 प्राइम मिनिस्टर्स के। ओके, सो काफी हुनर होगा इस व्यक्ति में। इंदर कुमार गुजराल जी, मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी, इन तीनों के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जहां पर्सनल सेक्रेटरी जो हम बोलते हैं। देन अगला जो अपॉइंटमेंट है वो इंटरनेशनल डोमेन से, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कंग्रेचुलेट किया है, और ये है यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट। कौन बने हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट? आप देखिए, यूरोपियन यूनियन आपको पता होगा, यूरोपियन यूनियन की ही मेन डिसीजन बॉडी जो होती है, जो क्रिटिकल डिसीजन लेती है, जो सरकार आपस में नहीं ले पाती है, वो यूरोपियन कमीशन लेती है। ठीक है, सॉरी काउंसिल नॉट कमीशन, यूरोपियन काउंसिल लेती है। एक और बॉडी होती है यूरोपियन कमीशन, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यूरोपियन काउंसिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी प्राइम हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं वो आ जाते हैं, अभी मैं बताऊंगी इसकी कॉम्पोजिशन। सो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा बन गए हैं। कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, काउंसिल याद रखिएगा। एंटोनियो कोस्टा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पोर्तुगाल के। ओके, और ये किसको रिप्लेस करेंगे? चार्ल्स माइकल को करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, इनका अपॉइंटमेंट आएगा अक्टूबर में, 1st of October 2024। उससे पहले अगर कोई भी आपका एग्जाम है तब तक चार्ल्स माइकल ही लीड करेंगे यूरोपियन काउंसिल को एज द प्रेसिडेंट।
इट विल बी रिप्लेस बाय एंटोनियो कोस्टा दिस पोजिशन ऑन 1st of October. आप देखिए यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल जनरल पॉलिटिकल डायरेक्शन और प्रायोरिटीज वाली एक बॉडी है यूरोपियन यूनियन के अंदर, ईयू के अंदर. कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इश्यूज जो होते हैं जो लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे सॉल्व नहीं हो सकते वो यूरोपियन काउंसिल में जाते हैं. यूरोपियन काउंसिल में हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं 27 ईयू कंट्रीज हैं जैसे अभी उन सबके, साथ ही साथ यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट बैठेगा एंड यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट बैठेंगे. तो इन तीनों से मिलकर के आपकी यूरोपियन काउंसिल बनती है. और ये जो यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट है अभी इन्हीं का अपॉइंटमेंट हमने देखा है, एंटोनियो कोस्टा. लोकेशन यानी कि ये कहाँ होती है यूरोपियन काउंसिल, ब्रसेल्स बेल्जियम में होती है. और जो पर्सन प्रेसिडेंट बनता है यूरोपियन काउंसिल का 2.5 इयर्स की टर्म के लिए बनता है, लेकिन वो नेक्स्ट टर्म के लिए भी इलेक्ट हो सकते हैं, तो टोटल एक ही बार, तो टोटल 5 इयर्स तक वो सर्व कर सकते हैं इस पोजिशन के ऊपर. क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अवार्ड पे. डॉक्टर उषा ठाकुर हैज बीन अवार्डेड 12th विश्व हिंदी सम्मान इन हिंदी संवाद इवेंट. सो 12th विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला, इंपॉर्टेंट ऑनर होता है, 12th एडिशन है विश्व हिंदी सम्मान का, डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है. डॉक्टर उषा ठाकुर को क्यों मिला है, देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, भारतीय राज दूतावास काठमांडू द्वारा आयोजित नेपाल भारत साहित्य समारोह के अंतर्गत साहित्य सम्मान. तो नेपाल और इंडिया के बीच में लिटरेरी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नेपालीज लिटरेचर को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी को नेपालीज में ट्रांसलेट करने के लिए, यानी हिंदी को प्रमुखता देने के लिए अवार्ड दिया जाता है. हिंदी संवाद इवेंट जो था ये ऑर्गेनाइज किसने किया, तो ऑर्गेनाइज किया एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल ने. ठीक है, देन कहां ऑर्गेनाइज किया गया, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू के अंदर हुआ, यहाँ ऑर्गेनाइज इन्होंने किया. और इसके अंदर जो प्राइज दिया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने दिया है. तो इंडिया का अवार्ड है ये, दिया नेपाल के अंदर गया है क्योंकि इंडियन लैंग्वेज को वहां पे और ज्यादा स्प्रेड करने के लिए डॉक्टर उषा ठाकुर ने बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. 40 से भी ज्यादा लिटरेचर इन्होंने हिंदी और नेपाली इसके अंदर ट्रांसलेट की है. 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, ये हुई थी फीजी के अंदर, फीजी में 2023 में, बट शी कुड नॉट अटेंड इसलिए इनके अवार्ड सेरेमनी बाद में की. क्लियर है जी यहाँ तक? चलिए अब दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं इंटरनेशनल डोमेन से. लेट अस अंडरस्टैंड, जब भी आपको इंडेक्स पढ़ोगे किसी भी एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा सिर्फ रैंक इंडिया का क्या है वो करने से काम नहीं चलेगा. जो आप इंडेक्स पढ़ रहे हो, कौन सी बॉडी है जो वो इंडेक्स दे रही है या इंडेक्स और रैंकिंग दे रही है, इंडिया का क्या रैंक है, ओवरऑल कितने कंट्रीज थे, टॉप रैंकिंग कंट्रीज, बॉटम रैंकिंग कंट्रीज, कौन से पैरामीटर पे वो रैंक दिया गया है, ठीक है, तो ये तो मेजर पॉइंट्स आपको कवर करने ही करने. चलिए, सो वियना इज वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी फॉर द 3rd स्ट्रेट ईयर, EIU की रिपोर्ट है. EIU की रिपोर्ट, अब EIU क्या है सबसे पहले आप ये देखेंगे. सो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इस रिपोर्ट को इशू किया है. इशूइंग अथॉरिटी या बॉडी कौन सी है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. इसने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 रिलीज किया. ओके, इसके हिसाब से लगातार तीसरी बार वियना टॉप सिटी रही है ग्लोबली जो रहने लायक सबसे अच्छी है. ओके, और एक टोटल कितनी सिटीज वर्ल्ड वाइड असेस की गई, 173. तो जो भी रैंकिंग आ रही है 173 में से आएगी. ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, लिवेबिलिटी यानी जो रहने लायक है, बहुत अच्छी रहने लायक, वो ऊपर रैंक पे आएगी. 5 की कैटेगरीज बनाई गई या 5 की कैटेगरीज के बेसिस पे रैंकिंग दी गई है. स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर कैसा है, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के बेसिस पे मोस्ट लिवेबल डिक्लेयर कर रहे हैं. ऑस्ट्रिया की वियना बेस्ट रही, देन सबसे बॉटम पे कौन सी रही है, दमास्कस इन सीरिया, वॉर के चलते ऑब्वियसली. ठीक है, देन अगर हम यहाँ इस इंडेक्स के अंदर इंडिया के रैंक को बहुत ज्यादा कहीं ऐसे शो नहीं किया गया, जो बेस्ट है और जो वर्स्ट है उन्हीं का मेंशन ज्यादा आया है, कंट्री वाइज रैंकिंग सारी कंट्रीज की किसी भी एक्सप्लिसिट प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलेगी. सो पाकिस्तान का जो कराची है या जो हमारे पड़ोस बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, वो लीस्ट लिवेबल सिटीज में देखी गई है बॉटम 10 के अंदर. तो कराची एंड ढाका लीस्ट लिवेबल के अंदर अपनी जगह इन्होंने शो की. ये आपको टॉप 10 पोजिशन देखने को मिलेगी. देखो वियना ऑस्ट्रिया फर्स्ट रैंक पे है, देन कॉपेनहेगन, ज्यूरिख, ये टॉप 3 आपको याद रखनी चाहिए. कोई भी इंडेक्स कर रहे हो तो टॉप 3 ध्यान रखिएगा. ओके, देन 4 सिटीज इन एशिया पैसिफिक रीजन. अब देखो अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो, एशिया पैसिफिक से जैसे ऑस्ट्रेलिया से मेलबर्न, देन सिडनी, देन ओसाका जापान से, न्यूजीलैंड से ऑकलैंड, ये 4 एशिया पैसिफिक की सिटीज हैं जो टॉप 10 में अपनी जगह बनाई जिन्होंने, राइट. देन वर्ल्ड वाइड टॉप 5 हमने उस टेबल में भी देख लिया,
वर्ल्ड वाइड बॉटम फाइव, बॉटम फाइव देखो, सबसे बॉटम पे दमास्कस सीरिया है, उसके ऊपर त्रिपोली, एल्जियर्स, लागोस, कराची पाकिस्तान। ओके, ये 173rd रैंक हो गया और ये आपका टॉप रैंक्स हो गए, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये दोनों जो हैं ये टाई पोजीशन पे हैं, ये दोनों ही फिफ्थ पोजीशन पे टाई कर रहे हैं कनाडा और स्विट्जरलैंड की कैलगरी एंड जिनीवा रेस्पेक्टिवली। क्लियर है ये? चलिए फिर हम आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। अच्छा यही पे मैं बता दूं, अभी मैं इसको और आई विल ट्राई टू फाइंड आउट इनकी एग्जैक्ट जो रिपोर्ट है वो एक बार मैं डाउनलोड करके देखूंगी, अगर इंडिया का रैंक इसमें दिख जाता है, अगर कोई सिटीज इसमें मेंशन होंगी तो डेफिनेटली आई बी अपडेटिंग यू टुमारो। ठीक है, वो एक बार मैं ट्राई करूंगी अगर डिटेल रिपोर्ट अवेलेबल टू एक्सेस। फिर हम आते हैं अगला एक इंडेक्स, एंड दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स, यानी कौन सा देश कितना प्रिपेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। इंडिया का रैंक 72 रहा है, भारत का रैंक 72 रहा है। अब इसमें 174 कंट्रीज की स्टडी करके और एक रादर एक पोर्टल बनाया गया है, डैशबोर्ड बनाया गया है, और इस पे हर साल अब अपडेट्स आएंगे कितनी कंट्रीज को स्टडी किया जाएगा। 174 अभी इंडिया का रैंक क्या है, 72 है। चलिए देखते हैं, सो आईएमएफ किसने बनाया है या ये डैशबोर्ड या किसने रिलीज किया है ये इंडेक्स, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने रिलीज किया है फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स AIPI का डैशबोर्ड। इसमें 174 कंट्रीज को रैंक किया जाएगा कितने वो तैयार है AI को लाने के लिए। तीन मेन ग्रुप्स बनाए गए हैं कंट्रीज के, कंट्रीज को सॉर्ट किया गया है तीन कैटेगरीज के हिसाब से, लो इनकम कंट्रीज, एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड एडवांस इकोनॉमीज। राइट, बिकॉज आप हर कंट्री को सेम पैरामीटर पे नहीं तोल सकते, जो बिल्कुल लो इनकम कंट्रीज हैं वो AI पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, एडवांस कंट्रीज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो इसलिए डिवाइड किया गया है, इंडिया कहाँ लाए करता है, इंडिया एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज वाली कैटेगरी में लाए करता है। हमारा रैंक ओवरऑल 72 आया है। अगर हम बात करें टॉप कंट्रीज की, और सारी कंट्रीज आपको एडवांस इकोनॉमीज ही देखने को मिलेंगी, तो सिंगापुर, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टॉप थ्री के अंदर अपनी जगह बनाती है। इंडिया जो कि एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का हिस्सा है वो 72 रैंक पे आया है। हमारा ओवरऑल स्कोर 0.49 है। अगर आप इनका स्कोर देखोगे, हाईएस्ट स्कोर 0.80 है, हमारा स्कोर 0.49 है, ऑलमोस्ट 50% पे है। बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, हमारे अड़ोस पड़ोस की हम बात कर रहे हैं, तो इनका जो रैंक था वो 113, 92, 31st रहा, यानी चाइना 31st रैंक पे है, बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे पीछे है। और राइट देन, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रखा गया भाई, किस बेसिस पे आप AI प्रिपेयर्डनेस देख रहे हो? सो फोर मेन एरियाज देखे गए AI रेडीनेस के, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कितना है, ह्यूमन कैपिटल और लेबर मार्केट की पॉलिसीज कैसी हैं, क्रिएटिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और रूल्स एंड रेगुलेशन आपके देश में क्या है, इनके बेसिस पे सारे जो रैंकिंग है वो डिसाइड किए गए। अब कुछ ओवरऑल इन्फ्रेंस अगर हम निकालें कि ग्लोबली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरह का इंपैक्ट क्रिएट करेगा, सो जनवरी के अंदर ये एक इन्फ्रेंस दिया गया था कि AI करीब 40% जॉब्स को हैम्पर करेगा, थ्रेटन करेगा, यानी अभी जितने भी जॉब्स चल रहे हैं 40% जॉब्स यूजलेस हो जाएंगे बिकॉज AI वो काम करने लग जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, AI प्रोडक्टिविटी बूस्ट करेगा, तो ज्यादा जल्दी काम हो जाएंगे, ज्यादा काम हो जाएंगे, एंड इट विल हेल्प न्यू इंडस्ट्रीज एंड जॉब्स। तो जहां एक नेचर ऑफ जॉब किल होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंटेंट है ना, ज्यादा कंटेंट डेवलपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा डिजाइनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कंटेंट डेवलप करवाने के लिए जो प्रॉम्प्ट दिए जाएंगे, डिजाइन डेवलप करवाने के लिए जो प्रॉम्प्ट दिए जाएंगे, इस तरह के जॉब्स क्रिएट होंगे। सो एक तरह के जॉब किल होंगे 40% तक, लेकिन वहीं पर नई इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी, नए जॉब्स भी खड़े होंगे। ओके चलिए, और ये आपको टॉप कंट्रीज ये देखने को मिल गई, इंडिया की पोजीशन यहाँ पे देखने को मिल गई। अब हम कुछ छोटी न्यूज लेंगे। अच्छा, बहुत सारी न्यूज का डेवलपमेंट होगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, तो जैसे जैसे हमें लगेगा कोई सेशन बहुत बड़ा हो रहा है, तो हो सकता है मैं थोड़ी न्यूज अगले दिन के लिए शिफ्ट कर दूं। जैसे कि आज 1st of July है, आज 3 क्रिमिनल लॉज जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन आज से शुरू होगा, तो मैं आज वाले सेशन में भी आपको उन लॉज को डिटेल में पढ़ा सकती थी, बट आई विल बी टेकिंग देम अप टुमारो, बिकॉज आज के सेशन में ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने कैटर कर ली। सो अगली न्यूज पे चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑनबोर्ड किया है सुमित नागल को अपने ब्रांड एंडोर्सर के तौर पे। सुमित नागल कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? टेनिस से जुड़े हुए हैं। सो टेनिस प्लेयर सुमित नागल किस बैंक को एंडोर्स करेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा को, और करंटली हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सिंगल्स टेनिस प्लेयर है। 17 जून के हिसाब से वर्ल्ड नंबर 71 रैंक पे ये है, और जनवरी के अंदर
ये अकेले प्लेयर बने थे इन 35 ईयर्स टू डिफीट एक सीडेड प्लेयर यानी अच्छे रैंकिंग वाले खिलाड़ी को मेन सिंगल इवेंट में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के अंदर। सो जी ये हो गया आज का सेशन खत्म। अब जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता और स्ट्रगल कर रहे हैं कि एसएससी के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस कहां से तैयार करें, मैथ इंग्लिश रीजनिंग सबका फोकस रहता है लेकिन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपके लिए डिसाइसिव फैक्टर्स बन सकते हैं। सो इफ यू आर नॉट अवेयर गो एंड चेक आउट परचम ऐप। परचम ऐप पे आपको एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 का बैच मिल जाएगा। सीएचएसएल वाले बच्चे, अब आपने तो ऑलरेडी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आ गए हो तो अब बैच लेकर के पूरी डिटेल में आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन हम लोग यूट्यूब पे ही ला रहे हैं। एनी विच वेज जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करें, लेकिन सीएचएसएल वाले बच्चे आप अभी भी स्टैटिक जी के कोर्स लेकर के बहुत बेनिफिट कर सकते हो, काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से सीधे सीधे एग्जाम सवाल उठ करके आते हैं। सीजीएल वाले बच्चे मेंस लेवल तक की तैयारी का कंटेंट आपको यहां मिल जाएगा, पीडीएफ प्रैक्टिस पीवाईक्यूज मॉक पेपर्स वीडियोज एक्सेट्रा। सो गो एंड चेक इट आउट अभी। ओ यस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, 55% फ्लैट डिस्काउंट सेल चल रही है और वो आज क्या है, मंडे है। सो मंडे को यानी आज आई थिंक दिन में 12 बजे तक ही होगी, अब तो खत्म भी हो गई होगी। यस, मैं एक्सटेंड करवाने की कोशिश करती हूँ, अगर आज रात में आज शाम 5 बजे तक मैं उसको एक्सटेंड करवाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आई विल टॉक टू द टीम इफ पॉसिबल, सो मेक यूज ऑफ दैट डिस्काउंट अगर आपको नहीं पता था तो। और साथ साथ एसएससी टेस्ट सीरीज या सीएचएसएल वाले बच्चे आप इसको भी यूज करके एग्जाम में अभी बेनिफिट ले सकते हो, ये सब आपको परचम ऐप में मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है parchamclasses06@gmail.com, मेल एड्रेस है, सो यू कैन मेल अस इफ यू हैव एनी इश्यूज। चलिए रिवीजन क्वेश्चन ले, फटाफट आंसर करना शुरू करिएगा। पहला क्वेश्चन कमिंग योर वे, चलो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 इज आर करेक्ट। तीन स्टेटमेंट है, करेक्ट वाली बतानी है। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था सेकेंड टाइम आफ्टर 2011। अभी जो हमने वर्ल्ड कप जीता है T20 का, वो 2011 के बाद दूसरा है क्या? नो, 2007 के बाद है ये तो सेकंड। ट्रॉफी सिल्वर और थोरियम मेडल की बनी थी इस बार वाली, बिल्कुल सही है। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नाम दिया गया, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट है 2 and 3, यानी बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु टुक ओवर एज 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। ये मैंने पढ़ाया नहीं, क्यों? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है 30th नंबर के, वो कौन बनेंगे? बहुत बार पढ़ा दिया, बताओ कौन बनेंगे? उपेंद्र द्विवेदी जी बनेंगे। उपेंद्र द्विवेदी जी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि कौन बन गए हैं? वाइस चीफ बन गए हैं। पढ़ा था ना ये अभी थोड़े दिन पहले। बस चलिए, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एंटोनियो कॉस्टा जी बने हैं, ठीक है। पोर्तुगल के हेड रह चुके हैं पहले। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स? सोचो सोचो सोचो, कौन सी थी? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने किया है। देन व्हाट वाज संथाल होल्ड रिवोल्ट ऑफ 1855 का संथाल होल्ड रिवोल्ट क्या था? क्या मुगल रूल के अगेंस्ट था? बिल्कुल नहीं था, पेजेंट अपराइजिंग थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ। ये बिल्कुल सही है, पोर्टुगीज कुछ नहीं था, फ्रेंच कुछ नहीं था। आंसर आपका बी हो जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? सीबीडीटी के नए चेयरमैन के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? और जाते जाते, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, कभी खुशी कभी गम, से आज हमने सीखा ही है कि जहां एक तरफ विक्ट्री थी वहीं दूसरी तरफ लॉस था। तो कभी लाइफ में कुछ बुरा होना, सो जरूर सोचेगा इसमें भी कुछ अच्छा होगा, बिकॉज सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, अनलेस वो शोले वाला सिक्का हो, ठीक है। चलिए, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, बाय बाय।